मान लीजिए यहाँ पे किसी अन्य कंपनी में 12,000 8 घंटे की चल रही है ना, तो यहाँ आपको 14,000 देखने को मिलेगा। क्या इस तरह से है? क्या मतलब वो कंपनी देखकर चली देती है क्या कि उसमें 12 दे रहा है तो यहाँ 15 रहते हैं, ऐसा तो है? नहीं नहीं, ये मार्केट के हिसाब से चलता रहता है। जो अन्य कंपनी में अभी आज से 10 साल पहले, मान लीजिए 5 साल पहले 9,000 8,000 था, लेकिन अभी क्या है 12,000 13,000 उस हिसाब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि आप रंजन गांव कब जाओगे, हेयर कंपनी कब जाओगे। दोस्तों फाइनली मैं आया हूँ रंजन गांव, वो भी हेयर कंपनी के पास। ये देख रहे हो ये कंपनी, ये बाउंड्री है, मैं भी जा रहा हूँ उस साइड से कंपनी के गेट पे और उनसे पूछता हूँ, पता करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड से या फिर जो भी वहाँ पे लड़के वगैरह खड़े होंगे कि यहाँ पे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दोस्तों मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो हमें भी यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं पता करने की कोशिश करता हूँ किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, सैलरी क्या रहता है, कंपनी में क्या फैसिलिटी देती है, सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल वैकेंसी चल रही है कि नहीं ये भी आपको बताऊँगा, तो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दूँगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वैकेंसी वगैरह आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चले गेट पर जाते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं। तो मैं अभी कंपनी के गेट पे जा रहा हूँ, आगे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, पूछता हूँ वैकेंसी के बारे में कब निकलती है, क्या सैलरी रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और इतना मेहनत करता हूँ दोस्त, एक लाइक तो बनता है। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी कंपनी के गेट पर से आ रहा हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा और एक दो भाई वहाँ पे खड़े भी थे, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे मतलब कंपनी में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जैसे कि उसने बताया दोस्तों, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे होम अप्लायंस चीज़ हो गया, जैसे आपका इस्त्री करने की मशीन हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा दोस्तों रेप्सन हो गया, आइसोलेटर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। और MNC कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी देती है आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप कहीं ना कहीं ITI डिप्लोमा BTECH वगैरह कर चुके होंगे। तो अभी हमारे साथ रोशन जी है और बहुत ही हमें अच्छा लगा जिसे मिल, क्योंकि दोस्तों रोशन जी यहाँ पे हायर कंपनी, जावेल कंपनी और फिलहाल ये रंजन गांव में बहुत दिनों से रह भी रहे हैं, तो इनको लेके मैं आया हूँ, आप लोग के भी जानकारी दूंगा और ये खुद अभी जानकारी देंगे। पहले बताए हेयर कंपनी के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, आप यहाँ पे शायद जॉब भी कर चुके हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, मैं इसमें पूरे के पूरे 6 महीना जॉब किया था दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, यहाँ पे जो रंजन गांव MIDC है ना, हाँ। वहाँ पे 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, हाँ। इसके लिए सबसे बेहतर कंपनी है। और यहाँ पे 10वीं 12वीं ये सब लोगों के, फ्रेशर लोगों के लिए यहाँ पे सैलरी रंजन गांव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पे सैलरी इन लोगों को सबसे ज़्यादा है। सैलरी ज़्यादा बोले तो, या इससे भी अगर आपको ज़्यादा पढ़े हैं, मतलब आपका इंग्लिश अच्छा है, इस तरह से अगर आप ज़्यादा नॉलेज लिए हैं, ज़्यादा आपके पास डिग्री है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उससे भी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगा। नहीं, बहुत सारे हम चाकन घूमे हैं या फिर हिंजोड़ी गए हैं, मालुंगिया गए हैं, कि वहाँ पे ITI डिप्लोमा या फिर 10th 12th जाता है, खास करके ITI डिप्लोमा वाले को एज ए ट्रेनिंग पे रखता है, मतलब कंपनी बेस पे भी रखता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है क्या कि कोई नया बंदा आता है, फ्रेशर आता है, गेट पे जाएगा, उसका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड अंदर ले जाएगा, आपको ट्रेनिंग पे लग जाएगा, ऐसा होता है? कंपनी बेस पे हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? जी देखिए, जहाँ होता है, जिस कंपनी में होता है, उस कंपनी में वीडियो में क्लियरली बोला जाता है वहाँ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे 10th 12th बेस पे डायरेक्ट आप ऑन रोल नहीं लग सकता, यहाँ पे शुरुआती में आपको कॉन्टैक्ट बेस पे लगेगा, आपको जॉब लगेगा, लेकिन जब आप वहाँ पे अच्छे काम कीजिएगा, आपका 6 महीना साल भर होगा, तब कंपनी द्वारा आपको देखा जाता है कि आप कैसे काम किए, आपका परफॉर्मेंस क्या है, फिर जाके आपको ऑन रोल कंपनी रख सकता है। जी, और फैसिलिटी क्या रहता है, फैसिलिटी की बात करें तो? देखिए फैसिलिटी की बात करें ना, तो यहाँ पे बस सुविधा है, कैंटीन सुविधा है, फैसिलिटी में ये दो मेन है। और यहाँ पे जो है आप अन्य कंपनी में जो होता है AC का फैसिलिटी से, मतलब AC भी बहुत लोग गिन लेते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे AC बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर यहाँ पे पंखा और कूलर। ये यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए रहता है या फिर ज़्यादा किन लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है जॉब करना यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ये कंपनी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रेनिंग बेस पे होता है, उनको सैलरी, मतलब अगर अलग कॉन्ट्रैक्ट में उनको 15,000 सैलरी है, तो ट्रेनिंग बेस पे यहाँ पे जो ट्रेनी है, ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट का ही नाम है, उसका नाम है ट्रेनी, तो उसमें आपको 18 से 19 हज़ार सैलरी मिलेगा सिर्फ 8 घंटे का। वो भी लोकल लोगों को ही? जी, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के ही, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए। अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जा सकता, उसके लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो जाते हैं, लेकिन उसको सैलरी कम मिलता है ना? हाँ,
थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें भी है, आप अगर अलग से आइएगा, अलग स्टेट से, उसमें आपका PFSI कटेगा, लेकिन ट्रेनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें PFSI नहीं कटता। मतलब कुल मिला के उतना ही सैलरी रह जाता है लगभग में। जी बिल्कुल। चलिए, और यहाँ पे क्या क्या बनती है? देखिए, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंस के जितने भी होम अप्लायंस में जितने भी यूज होते हैं लगभग सभी यहाँ पे बनते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, जैसे भर्ती है, ये बताइए कि जो पे ज्वाइनिंग कब होती है? देखिए, ज्वाइनिंग करने के लिए आप टाइमिंग है फिक्स है, मतलब मंडे को आ जाएगा तो हो जाएगा, या फिर महीने के शुरू में है, या फिर लास्ट में, ऐसा कुछ है यहाँ पे क्या? देखिए, ये आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आप तो देखते होंगे जब इन करते होंगे, देखते होंगे अपने गेट पे लड़के खड़े हैं, या फिर आउट होते होंगे, देखते होंगे कि ज्वाइनिंग का टाइम है, ऐसा तो कुछ होता होगा जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, तो कुछ बताइए लोगों को। जी देखिए, पहले ये अक्कू भाई पहले वीडियो बनाए थे कि रेफरेंस नहीं तो जॉब नहीं। राइट राइट। तो इसमें क्या है, अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी रिश्तेदार इसमें अगर काम करता है तो उससे आप आसानी से वैकेंसी को पता कर सकते हैं। नहीं तो आप जब आप इस कंपनी के गेट पे आइएगा तो कंपनी के गेट पे डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग होगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछिए जो वैकेंसी चल रही है क्या, अगर नहीं चल रही है तो नहीं होगा, अगर चल रही होगी तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा और कॉन्ट्रैक्टर आपको कंपनी के गेट पे बुलाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर सारा काम करेगा आपका ज्वाइनिंग करवाने तक। अच्छा अच्छा। वो अगर नंबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का नंबर मांगेंगे तो देगा क्या सिक्योरिटी का? जी जी बिल्कुल देगा। आप अगर गेट पे जाते हैं तो उनसे ये बोलना है कि कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दीजिए, तो वहाँ पे 4-5 कॉन्ट्रैक्टर है, वो हो सके तो वो 4-5 का भी दे सकते हैं, नहीं तो 1-2 का दे सकते हैं, लेकिन सबका सारे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट जो है वो लगभग में है। और सिक्योरिटी गार्ड अच्छे से बात कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छे नहीं बोलेगा, नहीं वैकेंसी ही नहीं है, नहीं नहीं कल आना, डायरेक्ट बोलेगा कल आना, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे। देखिए दोस्तों, जॉब का आपको जरूरी है तो आप शुरुआत में आप प्यार से बात करेंगे तो प्यार से उस सिक्योरिटी गार्ड से क्या, किसी से भी हम प्यार से बात करेंगे तो मेरा बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप इसका, हम तो अभी यहाँ पे नए आए थे और इसीलिए आपको लेके आए कि यहाँ पे कि आप इंटरनेट चीज़ बता पाएंगे हमारे दोस्तों को, हमारे भाई को, तो भाई के लिए एक लाइक करो और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने को मिलता है, घर बैठे लोग कुछ ही बोल देता है लेकिन आपको रोड पे जाने के बाद हर चीज़ का पता चलता है, कंपनी विजिट करने के बाद हर चीज़ का पता चलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है कितना दूर से हम लोग आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, बोतल में पानी एकदम गर्म हो चुका है, ये पानी पी के हम लोग सड़क पे खड़ा होकर पूरा ग्राउंडिंग से वीडियो बना रहा हूँ, जो है रियल बनाया, ऐसा नहीं जो किसी घर में बैठ के ऐसे ही कुछ बक दिए, ये जो है वीडियो होता है पूरा ग्राउंडिंग से होता है। अभी हम सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछने गए थे आप लोगों की इनके पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं, सिक्योरिटी गार्ड पूछे, वहाँ पे 2-4 लोग खड़े थे बाइक पे, मैंने उनसे पूछा, वो बोला कि हम अभी तो बोला क्या कि अभी वैकेंसी का बोला, जैसे सिक्योरिटी गार्ड से वो भी गया था पूछने तो बोला कि कल आना सुबह 8 बजे, तो वो भी उसका गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं रहता है कि हो ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बोलेगा कल आओ परसों आओ। अगर आप हेयर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं रेफरेंस के थ्रू, हमारे टीम मेंबर के थ्रू, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप इंस्टाग्राम बायो में जाके वहाँ का नंबर ले लो हमारे टीम मेंबर का, उसे कॉन्टो, वो आपको पूरा हेल्प करेगा, आपको जॉब दिलवाएगा। आई होप दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम एक से एक कंपनी विजिट कर पाए और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ला सके। तो बात दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।